वैक्सीनेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं हेडिंग डाल देती हूँ, कौन सा है? इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है और वैक्सीनेशन क्या होता है ये हमें पढ़ना है कि व्हाट यू मीन बाय इम्यूनाइजेशन एंड व्हाट यू मीन बाय वैक्सीनेशन और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। दोनों की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और कभी कभी इन दोनों का रिलेशनशिप भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन होता क्या है आप सभी शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। वैक्सीनेशन क्या होता है? जब कोई इनएक्टिव फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इनएक्टिव फॉर्म या फिर उसकी प्रोटीन या फिर उसका वीकेंड फॉर्म, वीकेंड का मतलब है उसका कमजोर फॉर्म को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं वैक्सीनेशन। मैंने ग्रुप में लिंक नहीं भेजा, एक मिनट चेक कर लेती हूँ। ठीक है, देखना भैया लिंक नहीं भेजा क्या मैंने ग्रुप में? अच्छा, तभी बच्चे रह गए, देख लेना जरा ग्रुप में दोबारा सेंड कर देना। हाँ भाई, तो सुनिएगा, वैक्सीनेशन, चलो याद दिलाने के लिए धन्यवाद बेटा। वैक्सीनेशन होता क्या है फिर से समझिएगा, वैक्सीनेशन क्या है आपका, जब किसी एटेन्यूएटेड या इनएक्टिव फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैं लिख रही हूं, व्हेन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वीकेंड फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोटीन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर टू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। ठीक है, तो वैक्सीनेशन की ये प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है, वैक्सीनेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है बेटा? जब कोई भी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी आपका डिसीज कॉज करने वाला बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी है, ठीक है, उसका इनएक्टिव फॉर्म, जैसे आप जानते हैं इसका इनएक्टिव फॉर्म आप कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, क्या है, कोई बैक्टीरिया है। अभी आपको ये कोरोना वायरस वाली वैक्सीन का बहुत ज्यादा एक आप कह सकते हैं ना बाढ़ सी आई हुई है कि वैक्सीन वैक्सीन बहुत सुनाई दे रहा है, तो ये वैक्सीन आखिर बनाई कैसे जाती है? ठीक है, तो मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है जो डिसीज कॉज कर रहा है। अब डिसीज कॉज कर रहा है, हम मान लेते हैं, जस्ट एक एग्जांपल ही ले रहे हैं, वो कौन सी डिसीज कॉज कर रहा है? टाइफाइड डिसीज कॉज कर रहा है। तो इसकी हमें जो वैक्सीन है वो वैक्सीन हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो बैक्टीरिया जो कि टाइफाइड डिसीज कॉज कर रहा है, इसी की हमें वैक्सीन बनानी है। तो इस बैक्टीरिया को सबसे पहले हम आइसोलेट करेंगे। ठीक है, हमने बैक्टीरिया ले लिया और ये है आपका बैक्टीरिया। ठीक है, और ये जो बीच में है वो है इसका जेनेटिक मटेरियल। क्या है इसका? जेनेटिक मटेरियल। अब हमने बायोटेक की हेल्प से, किसकी हेल्प से? बायोटेक की हेल्प से हमने क्या किया, इसका जेनेटिक मटेरियल बाहर निकाल लिया। आप सभी जानते हैं बायोटेक में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि उसकी सेल वॉल को रैप्चर कर देते हैं। कौन सा एंजाइम है जो इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को रैप्चर करेगा? लाइसोजाइम। ठीक है, तो लाइसोजाइम से इसको रैप्चर कर दिया और ये हमने क्या निकाल लिया, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। अब जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया में डिफरेंट जीन्स होंगे जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे कि यहां पर आपका ये जीन है, ठीक है, एक जीन ये है,
ये बैक्टीरिया के साइज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, साइज के लिए। ये वाला है ये उसके लोकोमोशन, बैक्टीरिया के लोको मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहां पर ये उसका जीन है जो कि डिसीज कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, डिसीज कॉज करने के लिए बैक्टीरिया के अंदर रेस्पॉन्सिबल है। कौन सा वाला, ये वाला, ये जो जिसे मैं ग्रीन से कर दिया है, ये जीन आपका रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बैक्टीरिया के अंदर डिसीज को कॉज करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, हमें तो क्या बनानी है, हमें बनानी है वैक्सीन। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वाले जो ये बैक्टीरिया जिसके अंदर से हमने ये क्या निकाला है, उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर निकाल लिया। अब इस जेनेटिक मटेरियल से ये डिसीज कॉज करने वाली जो जीन है इसी को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया बेटा, हमने डिसीज कॉज करने वाली जीन रिमूव कर दी, ठीक है। ये दो जीन तो बनी रही लेकिन डिसीज कॉज करने वाली जीन को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इस बैक्टीरिया में सारे कैरेक्टरिस्टिक तो इसी के थे जिसका हमने लिया था, बस ये अनेबल है, ठीक है। ये क्या नहीं कर सकता, डिसीज कॉज नहीं कर सकता, इट नॉट कॉज डिसीज, ठीक है। ये अब डिसीज कॉज नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें डिसीज कॉज करने वाला जो जीन था वो हमने क्या कर दिया है, पूरी तरीके से रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो ये कहलाता है, ये जो बना, ये बना आपका इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या बना, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया बन गया, इसी से, इसी का यूज करके हम क्या बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, इनएक्टिव फॉर्म, इसे एटीन्यूएटेड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं, जिसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक तो बैक्टीरिया के ही होते हैं लेकिन उसमें डिसीज कॉज करने की कैपेसिटी नहीं होती। तो वैक्सीन क्या है, व्हेन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वीकेंड फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोटीन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन का मतलब क्या है, एंटीजन, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, ये हमारी बॉडी के अगेंस्ट में क्या बनाता होगा, ये प्रोड्यूस करता होगा एंटीजन, और इसी एंटीजन को हमने क्या कहा है यहाँ पर, प्रोटीन। तो इन तीनों में से, ठीक है, या तो उसकी प्रोटीन हो, या तो उसका वीकेंड फॉर्म हो, और या फिर क्या हो, आपका इनएक्टिव फॉर्म हो बैक्टीरिया का, इसे अगर हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, अभी आगे दोबारा से आएगा ये, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, हाँ भाई, अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में क्या आता है हमारा, वैक्सीनेशन हो गया। अब वैक्सीनेशन से क्या कॉज होता है, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है, देखिए, इम्यूनाइजेशन कंप्लीटली बेस्ड होता है किस पर, कंप्लीटली बेस्ड होता है आपकी बॉडी की मेमोरी पर, ठीक है, किस पर, बॉडी की मेमोरी पर। अब देखो हुआ क्या, वैक्सीनेशन से क्या, वैक्सीनेशन, एक लाइन में यहां लिखती हूं, वैक्सीनेशन कैन कॉज इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन। अब देखो वैक्सीनेशन से इम्यूनाइजेशन कॉज होता है, ये आपको कभी कभी आ जाता है, ऐसा ही लिखाएगा, वैक्सीनेशन कैन कॉज इम्यूनाइजेशन, हाउ, एक्सप्लेन, या फिर वैक्सीनेशन कॉज इम्यूनाइजेशन, कमेंट। तो वैक्सीनेशन से कैसे इम्यूनाइजेशन कॉज होता है इस पर आपको कमेंट करना है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कैसे करता है, सबसे पहले आपका इम्यूनाइजेशन होता क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है, आफ्टर आफ्टर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इन ह्यूमन बॉडी, आफ्टर वैक्सीनेशन इन ह्यूमन बॉडी फॉर्म एंटीबॉडीज, एंटी बॉडीज, दीज एंटीबॉडीज, एंटी बॉडीज हेल्प
टू मेंटेन, हेल्प टू मेंटेन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी और डिसीज रेजिस्टेंट पावर ऑफ बॉडी। ठीक है, तो सुनो ये मैंने क्या लिखा है, आफ्टर वैक्सीनेशन इन ह्यूमन बॉडी फॉर्म एंटीबॉडीज। जैसे ही हमने वैक्सीन ले ली, ठीक है, हमने वैक्सीन ली, अब वैक्सीन से क्या हुआ, कल मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स आपको समझाए थे, उसी प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स पर यहाँ पर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन पूरी तरीके से बेस्ड होता है। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पर होता क्या है बेटा, कि सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर क्या इंट्रोड्यूस करा दिए गए, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिए गए। तो हमारी बॉडी ने क्या सोचा, हमारी बॉडी ने सोचा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, इन्हें बाहर निकालो। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी के अंदर क्या बनने लगेंगे, एंटीबॉडीज बनने लगेंगे। ठीक है, जब हमने इनएक्टिव फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़े से अमाउंट में अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा लिए, किसके थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है, वैक्सीनेशन के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पहुंच गए, मेरी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर पहुंच गए, तो हमारी बॉडी क्या रेस्पॉन्स देगी, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी। ठीक है, जबकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, इनएक्टिव है, वो कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन यार बॉडी को थोड़ा पता ये इफेक्ट डालेंगे नहीं डालेंगे, तो बॉडी सोचती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, इन्हें किल करना स्टार्ट करो, तो वो एंटीबॉडी बना देती है। ठीक है, अब उसने एंटीबॉडी बना ली, किसने, हमारी बॉडी ने। अब सेकेंडरी रेस्पॉन्स के थ्रू क्या होगा, अगर कुछ टाइम बाद वास्तव में असली वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए जो कि असली में डिसीज कॉज करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए, तो हमारी बॉडी के पास पहले से तो क्या था, पहले से एंटीबॉडीज बना रखी है, उसके पास पहले से दिमाग था, पहले से ध्यान था, तो अब वो उन एंटीबॉडीज को उस असली वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पर उड़ेल देगी, उस पर अटैक कर देगी, जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। ये पूरा तरीका होता है आपका वैक्सीन के वर्किंग का। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन आपको समझ में आया। अब देखिए मैं इसको रफ करके आपको नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिख रही हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, इसके बाद स्टार बना के लिख रही हूं मैं यहां पर, वैक्सीन मैकेनिज्म बेस्ड अपॉन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, जो आपका वैक्सीन का मैकेनिज्म है किस पर बेस्ड होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स पर बेस्ड होता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, क्या हुआ आपका, जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट बाय प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स किसने क्रिएट कर दिया, उस वैक्सीन, भाई प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट हुआ, जो वैक्सीन हमने लगवाई ना, तो वैक्सीन के अंदर जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया थे, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने कॉज कर दिया क्या आपका प्राइमरी रेस्पॉन्स। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स किसने कॉज किया, प्राइमरी रेस्पॉन्स क्रिएट बाय वैक्सीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्राइमरी रेस्पॉन्स किससे क्रिएट हुआ, वैक्सीन से क्रिएट हुआ। ठीक है, तो वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर पहुंची, तो इससे क्या हुआ, आवर बॉडी स्टार्ट टू डेवलप एंटीबॉडीज। ठीक है, जैसे ही वैक्सीन हमारे अंदर पहुंची, हमारी बॉडी ने क्या कर दिया, डेवलप करना स्टार्ट कर दिया किसको, एंटीबॉडीज को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, किसने, हमारी बॉडी ने। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा सेकेंडरी रेस्पॉन्स इज क्रिएटेड व्हेन फंक्शनल
when functional microbes enters in vaccinated body. ठीक है, तो ये समझिए अब क्या हुआ, प्राइमरी रेस्पॉन्स से कब क्रिएट हुआ, हमारी वैक्सीन से प्राइमरी रेस्पॉन्स क्रिएट हो गया. और प्राइमरी रेस्पॉन्स कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा वीक होता है, जानते हो ना, प्राइमरी रेस्पॉन्स कैसा होता है, वीक होता है. बताया था ना कल वो मामा का गंदा वाला लड़का आया था, याद होगा आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था, मामा का गंदा वाला लड़का आया. ठीक है, हम तो उसे पहचानते नहीं थे, पहली बार हमारे घर में आया, तो जैसे ही हमने उसे देखा उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया. ठीक है भाई, अटैक कर दिया, हमें घायल वायल कर दिया. अब क्या हुआ कि अब वो दोबारा से आया तो हमारे अंदर क्या बन गई, एक मेमोरी बन गई कि वो गंदा लड़का आएगा तो हम उसके ऊपर अटैक करेंगे. तो हमने पत्थर, बंदूक, जो भी था हमारे पास, भाले, सब हमने इकट्ठे कर दिए. ठीक है, अब वो दोबारा से कुछ दिन बाद वो दोबारा से मामा का लड़का आया गंदा वाला ही, तो हमने उसे पहचान लिया. अब तो ये हम पर अटैक करेगा, उससे पहले ही हम अटैक कर दें. ठीक है, तो प्राइमरी रेस्पॉन्स कैसा था, बहुत ही ज्यादा हमारा वीक था. लेकिन सेकेंडरी रेस्पॉन्स में हमने इकट्ठे कर लिए भाले, तलवारें, मींस एंटीबॉडीज हमने इकट्ठी कर ली. और जब फिर से वही वाला आया, ठीक है, वही वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, असली वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, तो हमने क्या कर दिया, हमने उस पर अटैक कर दिया. तो ये सेकेंडरी रेस्पॉन्स है, जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स है ये कैसा होगा, ये काफी स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, कैसा होगा सेकेंडरी रेस्पॉन्स, कैसा होगा बेटा, काफी स्ट्रॉन्ग होगा. और ये कहानी पूरी तरीके से किस पर बेस्ड होती है, ये बेस्ड होती है मेमोरी, मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम. ठीक है, वैक्सीन किस पर वर्क करती है, मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम है उस पर वर्क करती है. ठीक है, तो आई थिंक आप ये वाली कहानी समझ गए होंगे. तो अगर आपका क्वेश्चन आता है वैक्सीनेशन कैन कॉज इम्यूनाइजेशन, तो आपको वैक्सीनेशन की डेफिनेशन 3 मार्क्स में आएगा, इम्यूनाइजेशन की एक डेफिनेशन लिखनी होगी, और उसके बाद इस टाइप से आपको पूरा ये बना देना होगा. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्राइमरी रेस्पॉन्स वैक्सीन क्रिएट करता है, अगर वैक्सीन के टर्म्स में देख रहे हैं तब वो कैसा होता है, काफी वीक होता है. अब जैसे ही प्राइमरी रेस्पॉन्स लिया, हमारी बॉडी ने स्टार्ट कर दिया क्या करना, एंटीबॉडीज बनाना. और जब सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्रिएट करता है, जब फंक्शनल माइक्रोब्स बॉडी के अंदर पहुंचता है, जो कि कैसा होता है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है. और ये जिस सिस्टम पर, जिस मैकेनिज्म पर बेस्ड होता है, विच इज नोन एज मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम कहते हैं. ठीक है, अब ये मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम कौन बनाता है, इम्यून सिस्टम की मेमोरी कौन बनाता है, ठीक है, कौन बिल्डअप करता है इस इम्यून सिस्टम की मेमोरी. तो यहां पर मैं स्टार बना के लिख रही हूं, मेमोरी, मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, सिस्टम डेवलप्ड बाय टी एंड बी लिम्फोसाइट. ठीक है, कौन डेवलप करता है, टी एंड बी लिम्फोसाइट डेवलप करते हैं ये मेमोरी. ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ये बताइए समझ में आ गया आप लोगों को, बता दिया करो भाई समझ आया कि नहीं. ओके बेटा, चलो अगर हम अब हम इसे रफ कर देते हैं. ये तो हो गया आपका, ये वैक्सीन से, वैक्सीन के थ्रू, ध्यान रखिएगा, वैक्सीन आपने ली और इससे हमारी बॉडी के अंदर क्या बना, एंटीबॉडीज. ठीक है, और इस तरीके से ये हमारा क्या बिल्डअप कर रहा है, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, डेवलप हो रहा है. तो इस तरीके से वैक्सीन से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेगी, तब जाके हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होगा. तो इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा.
ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं, टाइम लगेगा ना, एंटीबॉडीज बनेंगी तब जाके इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, तो आप लिख सकते हैं वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन इज टाइम कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है। और ये कौन सी इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है बेटा, ये कौन सी इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, ये एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। आप लोगों ने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी पढ़ी थी, तो ये कौन सी इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, एक्टिव इम्यूनिटी का, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी में ही एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, अब देखिए दूसरा है आपका, अगर आप इफ वी नीड क्विक रिस्पॉन्स, इफ वी नीड क्विक रेस्पॉन्स और इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, अगर आप तुरंत के तुरंत रेस्पॉन्स चाहते हैं, इम्यूनाइजेशन आप तुरंत के तुरंत चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर बने, अगर इतना टाइम हो लगा कि एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर बने तो क्या होगा, इतने में तो पर्सन निकल लेगा। ठीक है, तो इस टाइम पे हमें क्या करना होगा, व्हेन वी नीड क्विक रेस्पॉन्स और क्विक रेस्पॉन्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी का क्विक रेस्पॉन्स आप चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, नीड पैसिव इम्यूनिटी, नीड पैसिव इम्यूनिटी, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, पैसिव इम्यूनिटी की जरूरत पड़ेगी, इन विच, इसमें क्या होगा, इन विच रेडीमेड, रेडीमेड एंटीबॉडीज, एंटी एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, इनटू द बॉडी। ठीक है, तो अगर आप क्विक रेस्पॉन्स चाहते हैं, ठीक है, अगर आप क्या चाहते हैं, क्विक रेस्पॉन्स चाहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि एंटीबॉडीज बने, तो क्या लीजिए, डायरेक्ट एंटीबॉडी ही इंट्रोड्यूस करा लीजिए, तो डायरेक्ट जब आप एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है, तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, इस टाइप की इम्यूनिटी को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, लेकिन ये इम्यूनिटी आपकी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है। और ये कब यूज होगी, पैसिव इम्यूनिटी कब यूज होती है, एग्जाम्पल आपको शायद याद होगा कब यूज होती है, ये होती है आपका स्नेक अटैक के टाइम पर, जब स्नेक ने क्या कर लिया हो, आपको बाइट कर लिया हो, ठीक है, या फिर टिटेनस, ठीक है, जब पर्सन को किसका, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी का इन्फेक्शन होने लगता है, जैसे आपको चोट लग जाती है तो टिटवैग लगवाते हैं, तो जो टिटवैग है ना, टिटवैग क्या है आपकी, टिटवैग एक पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि उसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो पोलियो है, कोरोना वाली है वैक्सीन, ये सब एक्टिव इम्यूनिटी है, हमारी बॉडी के अंदर आपके एट्यूनेटेड फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स एंटर करा दिए, उन्होंने हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म किया एंटीबॉडीज। ठीक है, जो कोरोना वाली है वो ये वाली है, मींस कौन सी, एक्टिव इम्यूनिटी वाली है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। एक लास्ट पॉइंट और मैं बता दे रही हूं कि जो वैक्सीन है, ठीक है, ये शायद आपको पता होगा, फर्स्ट वैक्सीन किसने बनाया था, याद है आपको, फर्स्ट वैक्सीन किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ठीक है, फर्स्ट वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने बनाया था आपका काउ पॉक्स के लिए या चिकन पॉक्स के लिए। तो वैक्सीन है जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट वैक्सीन है आपकी किसने बनाई थी, एडवर्ड, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने आपकी फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी। और वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, बाय यूजिंग, बाय यूजिंग बायो, बाय यूजिंग टेक्निक्स ऑफ, टेक्निक्स ऑफ बायोटेक। ठीक है, कैसे बनाई जाती है, बायोटेक की जो टेक्निक है, टेक्निक्स ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की
जो डिफरेंट आपकी टेक्निक्स हैं उनका यूज करके हम बना सकते हैं, किसे वैक्सीन को बना सकते हैं। ठीक है, बायोटेक का यूज करके कुछ अभी एक तो ये कोरोना वाली ही बनी है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे सिलेबस में है जो पूछी जाती है, ठीक है, वो कौन सी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, वो कौन सी है आपकी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, वैक्सीन क्रिएटेड बाय यूजिंग ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो आपका फंगस है, ठीक है, ईस्ट आप जानते हैं ना फंगस है, उसका यूज करके और कौन सी बनाई गई है, हेपेटाइटिस। ये एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किससे बनाई गई है, तो किससे बनाई गई है, बायोटेक की प्रिंसिपल्स का, बायोटेक की टेक्निक्स का यूज करके और ईस्ट का यूज करके बनाई गई है आपकी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। ठीक है, चलो हाँ भाई स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक अभी आपको फिर से मैं मुझे पढ़ाना है, हो गया। चलिए रफ कर दूं उसे। अब आता है बेटा ऑटो इम्यूनिटी, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी होता क्या है, ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है, ये क्या है, एक ऐसी आपकी बॉडी में एक एबनॉर्मल इम्यूनिटी रेस्पॉन्स है जिसमें कि, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी क्या है, एक एबनॉर्मल इम्यूनिटी रेस्पॉन्स है जिसमें कि हमारी बॉडी अपने ही सेल्स को, मीन्स इसमें ये सेल्फ और नॉन सेल्फ, कल मैंने बताया था ना सेल्फ और नॉन सेल्फ को हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है, लेकिन ऑटो इम्यूनिटी में हमारी बॉडी अपने ही सेल को नहीं पहचान पाती, ठीक है, और वो सोचती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारी बॉडी के ही सेल को खत्म करने लगती है, ये कहलाता है आपका क्या, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या है, एक ऐसी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम में होने वाली एबनॉर्मैलिटी जिसमें कि हमारी बॉडी अपने ही सेल पर एडवर्स इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो मैं इसको डेफिनेशन यहां पर लिख दे रही हूं, एक मिनट, इट इज द एबनॉर्मैलिटी, एबनॉर्मैलिटी ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम, immune system of body in which body give adverse body show adverse effect on self. ठीक है, ये क्या है, एक ऐसी एबनॉर्मैलिटी है इम्यून सिस्टम की इन विच बॉडी शो एडवर्स इफेक्ट ऑन सेल्फ सेल, अपने ही बॉडी के सेल पर क्या डालने लगती है, एडवर्स इफेक्ट शो करना, एडवर्स इफेक्ट डालना स्टार्ट करने लगती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अब इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख लो पहले, क्योंकि एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या है आपका, पहला है एडिसन डिसीज। ठीक है, और दूसरा है इसका एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और दूसरा है एडिसन डिसीज। ठीक है, इसमें होता है क्या है कि जैसे कि हमारे
जो अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस मोस्ट ऑफ यूरिक एसिड के फॉर्मेशन से होने लगता है, ठीक है, ये जो आपके क्या है ज्वाइंट, ज्वाइंट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बॉडी में बनने लगता है। तो हमारी बॉडी क्या समझती है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता, वो हमारे ही सेल होते हैं, ठीक है। तो वो अपने ही सेल पर जो भी केमिकल्स हैं जिनसे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना चाह रहा था, ठीक है, उन केमिकल्स को अपनी ही बॉडी के सेल पर क्या करता है, अटैक कर देता है, ठीक है, जिससे कि भाई आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए बनाया था उसने केमिकल, लेकिन अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे समझ रहा है, अपनी ही बॉडी के सेल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ रहा है। तो उसने जैसे ही वो केमिकल अपनी बॉडी के सेल पर डाला तो भाई एडवर्स इफेक्ट तो पड़ेगा ही सेल पर, ठीक है, केमिकल है तो एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा सेल पर। तो इसी को बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं इसको, आपका ऑटो इम्यूनिटी या हाइपर हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी तो एलर्जी होती है, हाइपर हाइपर सेंसिटिविटी आप कह सकते हैं किसे, ऑटो इम्यूनिटी को, ठीक है, कि अपने आप ही अपनी बॉडी की सेल को इम्यून सिस्टम खत्म करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, ऑटो इम्यूनिटी, स्क्रीनशॉट लीजिएगा ऑटो इम्यूनिटी का भी। यू आएगा, ठीक है, हो गया। अब ये दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए, अब इसमें से आपका एलर्जी बचा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, एलर्जी मैं आपको कल कराऊंगी, ठीक है। तो कल आप करेंगे एलर्जी, किससे एलर्जी वो देखेंगे, किससे एलर्जी, ठीक है। आज एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, फिर आपकी छुट्टी करेंगे। तो तैयार हो, सबसे पहले मुझे बताइएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आंसर नहीं क्वेश्चन बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो क्या होते हैं आपके एलिफेंटियसिस, एलिफेंटियसिस का वेक्टर क्या है, जल्दी से बता दीजिए, व्हाट इज द वेक्टर ऑफ एलिफेंटियसिस, एलिफेंटियसिस डिसीज का वेक्टर, जल्दी से बताओ बेटा एलिफेंटियसिस डिसीज का वेक्टर क्या है। हाँ आपके कमेंट्स ही देख रही हूँ, जल्दी से, मच्छर है, ठीक है, उस मच्छर का नाम बताना है। ओहो मच्छर 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 हमें भी पता है, उस मच्छर की स्पीसीज क्या है भाई, क्यूलेक्स, वेरी गुड श्वेता, श्वेता का आंसर बिल्कुल सही है, कौन सा है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। भाई ध्यान रखना जो फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस है वो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। दूसरा ध्यान रखिएगा जो चिकनगुनिया और डेंगू है वो एडीज अजप्टाई मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, और जो मलेरिया है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, तीन है ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो एडीज अजप्टाई है इसे टाइगर स्ट्राइप मॉस्किटो भी कहते हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड। अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, इम्यून रेस्पॉन्स आप सभी ने पढ़ा है, इसमें पोलियो की जो वैक्सीन है वो कौन से इम्यून रेस्पॉन्स को शो करती है, ठीक है, पोलियो वैक्सीन कैन शो विच टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, पोलियो वैक्सीन कौन से इम्यून रेस्पॉन्स को शो करती है बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी, बिल्कुल सही है रौनक, और भाई आंसर दो जल्दी जल्दी, कौन सी इम्यूनिटी को शो करती है, एक्टिव इम्यूनिटी को, चलो सबका आया, श्वेता का आया, वैष्णवी का आया और नम्रता, वेरी गुड बेटा, किसे शो करती है, एक्टिव इम्यूनिटी को शो करती है, ठीक है। चलिए भाई तो अब हम मिलेंगे एलर्जी के साथ, ठीक है, एलर्जी के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। चलो बाय बाय बाय, देखते हैं आज कितने बाय करके जाते हैं, कुसुम लता, श्वेता, रौनक, वैष्णवी, सौम्या सो गई, माही बाई, सौम्या बाय बाय बेटा, अच्छा जग रही है, मैंने सौम्या सो गई, श्वेता जग रही है, सभी जग रहे हैं, चलो भाई।